दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हिंदू धर्म का लोहा सबको मनवाया था और हिंदुस्तान का नाम पूरा विश्व में उजागर किया था। उन्हीं का एक कहानी को जिक्र मैं इस वीडियो में किया हूं, जो कि आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे, तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपने जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक के परेशानी को स्वामी विवेकानंद जी ने तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरा इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ते हुए आगे लेकर निकल गया। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी चमक है और थकान नहीं दिख रहा है, लेकिन वो छोटा सा कुत्ता जोर जोर से हांफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यही बड़ी अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के ऊपर आगे पीछे दौड़ता था और भौंक रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक गया है। तभी विवेकानंद जी ने कहा, भाई, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी यही तो है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़े है, परंतु तुम अपने लक्ष्य के पीछा छोड़ के अन्य लोगों के पीछे दौड़ रहे हो और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधार करने में लग गया। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है हम भी इसी कहानी के कुत्ते के समान दूसरों को फॉलो करने में लगे हुए हैं? अगर आपका मित्र डॉक्टर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी रुचि हो या ना हो। ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरों को फॉलो ना करें, अपना लक्ष्य खुद बनाएं और उसके पीछे पूरे लगन से लग जाएं। सफलता का राज यही है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।